अगर हम उत्तर और दक्षिण दोनों की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो आज की डेट में दिल्ली में बुजुर्गों की जो संख्या है वो 9.2% है। 2036 तक ये 14.1, सबसे ज्यादा बुजुर्ग दिल्ली में होंगे, उसके बाद फिर राजस्थान का नंबर आता है। और अगर दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु में 2036 में 20.8% होंगे। आज की तारीख में भी तमिलनाडु नंबर वन पर है और उसके बाद नंबर तेलंगाना का आता है और साथ ही साथ कर्नाटक का आता है। तो ये जो इम्बैलेंस है सर, इसको लेकर प्रणय जी विचार नहीं होना चाहिए क्या? नहीं नवजोत जी, बिल्कुल इम्बैलेंस पे ध्यान देना चाहिए। आंकड़े क्लियरली दिखाते हैं कि अगले 15 साल में साउथ में 6-7% बढ़ेगी बुजुर्गों की जनसंख्या और नॉर्थ में केवल 3-4% बढ़ेगी। राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी पॉलिसी रही है, पॉपुलेशन पॉलिसी, उसमें हमेशा जनसंख्या नियंत्रण पे फोकस दिया गया, परंतु हमें अब ये भी ध्यान देना पड़ेगा जिन एरियाज में जनसंख्या जवान लोगों की कम है। हमें क्यों चाहिए जवान लोग? हमें कामकाजी जनसंख्या चाहिए, इसलिए चाहिए। हमें उत्पाद करने के लिए चाहिए, उपभोग करने के लिए चाहिए, बचत करने के लिए चाहिए, पूंजी निर्माण करने के लिए चाहिए। साफ बात है, अगर आप फर्टिलिटी रेट देखो, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, सब जगह 1.5 है आज के दिन, 1.5, यानी एक महिला 1.5 बच्चे जाम रही है। कर्नाटका में 1.6 है। भारत का जो एवरेज है वो 2 है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु और तेलंगाना में और सबसे कम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ही, आंध्र प्रदेश में जहां से चंद्रबाबू नायडू ने ये बयान दिया है। बिल्कुल, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ नवजोत जी कि जब ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री, तो उसके साथ की पॉलिसी भी लानी पड़ेगी कि आपको जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको पढ़ाई की सुविधाएं देनी पड़ेगी। और साउथ में या सदर्न स्टेट्स में ब्रॉडली इन चीजों के लिए पैसा भी है, आप समझिए। दूसरी तरफ उनको जो बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ रही है, उनके उनके सुरक्षा के लिए, उनके अकेलेपन के लिए, उनके हेल्थ कॉस्ट के लिए, उन सबको भी देखना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा एल्डरली पॉपुलेशन, है ना? तो ऐसा नहीं है। और एक मैं भी इसमें ये भी आपको चीज बता दूं कि जो भारत में जो प्रजनन दर गिरा है ना, वो बहुत ज्यादा तेजी से गिरा है कंपेयर टू, अगर आप देखो, फ्रांस में 250 से ज्यादा साल लग गए, इंग्लैंड में 225 साल लग गए जो 6-2 पे लाने में प्रजनन दर को, भारत में ये केवल 45 साल में हो गया, ठीक है? केवल चाइना ही है जिसने हमसे ज्यादा किया है। तो साफ बात है, साउथ में क्या हुआ है कि उन्होंने इतना नॉर्थ से ज्यादा तरक्की करी है, पर इतनी तरक्की नहीं की है यूरोप जैसी है, और अब वो उसी टाइप के डेमोग्राफिक यानी बुजुर्गों की संख्या वैसी सी आ रही है, इसलिए उनका ये जो कंसर्न है वहां के। तो रुद्र जी भी यही बात कह रहे थे ना कि देखिए कानून से ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है, उन्होंने भी यही बात कही थी। अब अजय गौतम जी, आप भी बात कर रहे थे कि कानून इसको लेकर लाना चाहिए, लेकिन कानून से ज्यादा, पहली बात, दो सवाल है सर आपसे। पहली बात, एजुकेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं, और दूसरी बात यह कि जो आपका आपकी बात है वो भी सही है, और जिस सोच को लेकर दोनों मुख्यमंत्रियों ने बयान दिया कि बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है एज कंपेरेटिव टू युवाओं की अगर हम बात करें, और हमारे तमाम पैनलिस्ट ने इसको लेकर अपना अपना तर्क भी रखा है कि क्यों युवा जरूरी है। अजय गौतम जी, नवजोत जी, मैं बात समझ नहीं पा रहा कि जो भी कोई युवा है वो कभी ना कभी तो बुजुर्ग होगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि जो युवा है वो कभी बुजुर्ग नहीं होगा। तो इसका मतलब कि आज अगर हमारे देश की आबादी 150 करोड़ है और उसके अंदर जितने युवा हैं 70% या 80% युवा हैं, वो कल को जब 80 करोड़ लोग, जो युवा 80 करोड़ बुजुर्ग हो जाएंगे, तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या हमें 250 करोड़ युवा चाहिए होंगे? ये किस तरीके का गणित है, मेरी समझ से तो बाहर है पहली। दूसरी बात रही बात एजुकेशन की, जहां तक मैं समझता हूँ, मैंने बचपन से अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, हर मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट में चाइल्ड कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी या उसमें स्कीम्स देखी हैं कि कैसे आपको आबादी को कंट्रोल करना है। लेकिन तमाम मोड के बावजूद, आप रेडियो ले लीजिए, रेडियो पर भी ऐड आती थी, टीवी पे भी ब्रेक में ऐड आती थी, अखबारों में भी विज्ञापन छपते थे, बसों के पीछे भी विज्ञापन छपते थे परिवार नियोजन के। ये देश एजुकेशन से नहीं चल सकता, ये डंडे से चलता है। मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। आज अगर आप इसको रूल बना देंगे, लॉ बना देंगे, तो ही जाके देश के लोग सीरियस होंगे इन बातों को लेके। मेरी एज 52 हो गई, मैं तो जब से मैंने होश संभाला हमेशा एडवर्टाइजमेंट देखी है बसों से लेके। कौन सा ऐसा मोड है जहां पर परिवार नियोजन की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती थी, फिर भी क्या किसी ने शिक्षा ली?
कोई शिक्षा लेने वाला तैयार नहीं है। आज आप सख्त रूल बना दीजिए, आपका राइट टू वोट स्नैच हो जाएगा, आपका राइट टू प्रॉपर्टी स्नैच हो जाएगा और आपके जो बाकी के राइट्स है स्नैच हो जाएंगे। देखिए कौन नहीं मानेगा। सवाल ये है कि जो रूल आप बनाते हैं उसमें जो आपकी जो इंटेंशन है उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसी से ही ये देश चलता है। ये एजुकेशन नहीं है। आपको किसको नहीं पता रेड लाइट जंप नहीं करनी, उसके बावजूद सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस का जो रेवेन्यू आता है वो ट्रैफिक के चलानों से ही आता है। तो सवाल यही है कि जब तक आप रूल नहीं बनाएंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तब तक इस देश का में कुछ नहीं होने वाला। बताइए वकील भी आप क्या कहेंगे? और छोटी सी बात, कल को जो हमारे 100 करोड़ युवा हैं, जब 100 करोड़ युवा बुजुर्ग होंगे तो क्या उनको कंपनसेट करने के लिए 300 करोड़ युवा और पैदा करने पड़ेंगे क्या इस देश को? रुद्र जी, चलिए मैं बहुत छोटा सा एक यही सर्वेक्षण कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे चार पैनलिस्ट हैं, चारों में से मुझे लगता है कि सब पढ़े लिखे लोग हैं। चारों में बता दें कि नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इन चारों हम चारों लोग बता दें कि कितने बच्चे हैं हम चारों के, तो समझ में आ जाएगा कि हम मतलब शिक्षित होना जरूरी है या नहीं जरूरी। देखिए एक बहुत छोटा सा सर्वेक्षण है, 100% रिजल्ट आएगा। तो मैं देखिए एक जागरूकता फैलाने वाली बात और शिक्षित होने वाली बात और शिक्षित करने वाली बात, ये बहुत अंतर है। सिर्फ बसों में एडवर्टीजमेंट देख लेना उसको शिक्षा नहीं कहा जा सकता। हम शिक्षित होते हैं तो हमें भी लगता है कि मैं अगर एक बच्चा करूंगा, मेरा सामर्थ्य कल एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाई लिखाई देने का है, उसको अच्छे से पालन पोषण करने का, तो मैं एक ही बच्चा करूंगा। मैं कभी इस बात की गलती नहीं करूंगा कि मेरे दो बच्चे हो जाए। तो मैं उस शिक्षा की बात कर रहा हूँ जो शिक्षा, जिस शिक्षा से आदमी में गुणवत्ता आए, आदमी में उसको ये समझ आए कि समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे जीना है, तभी वो एडवर्टीजमेंट को पढ़ेगा, तभी एडवर्टीजमेंट को पढ़ के वो जागरूक होगा।